तो फ्रेंड्स, यदि आप भी पता करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है, या फिर आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक है या फिर नहीं लिंक है, तो किस तरह से पता कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। एंड क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली सर्च बार पे क्लिक कर देना है। एंड सर्च बार पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे सर्च बार में सर्च करना है UIDAI, यहाँ पे ये चीज आपको सर्च कर लेना है। एंड सर्च करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऐड दिखाई देगा, आपको यहाँ पे ऐड को कट कर देना है। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। एंड स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गेट आधार का, इसके नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड आधार का, आपको सिंपली डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा चेक आधार वैलिडिटी, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा इंटर आधार नंबर का, आपको यहाँ पे अपने आधार नंबर को डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा को फिल कर देना है। यदि आपका कैप्चा फेल हो रहा है तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपने कैप्चा को चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने कैप्चा को बदल सकते हैं। तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड और यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। एंड जैसा प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पे एज बैंड दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, स्टेट दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे मोबाइल नंबर दिखाई देगा। आपके इस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा आपको यहाँ पे उसका लास्ट 3 डिजिट दिखाई देगा, यानी कि इस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर का लास्ट 3 नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप पता कर सकते हैं कि आपके पास जो मोबाइल नंबर है उसमें से कौन सा मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिंक है। और यदि आपके आधार कार्ड में कोई मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिखाई देगा, ब्लैक आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से आप पता कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।